ये है पूल और भाई को एक्सेप्ट लेके आ गए तो जंपिंग कर रहा है ये पूल। ओ भाई गजब, क्या बात है भाई, बहुत हार्ड वर्क अच्छा है यार। लोकेशन हाँ, कैमरा लेके आज भी अभी आने आते सुबह में मॉर्निंग में जो भी टिका इस पर टिका है और ये चढ़ गया ऊपर, देख सकते हैं कुछ इस तरह। भाई कौन सी तार से बना हुआ है भाई, लाल साद सब नीचे है भाई ऊपर में, इसलिए ना गिरेंगे तो बोलेंगे पुल है। जिस हिसाब से पब्लिक के जा रहा है ना, पब्लिक के हिसाब से ठीक है, भी लेके आए ओ भाई पूरा। यहाँ पे एक पे एक नमूना लोग आ रहे हैं भाई रील बनाने के लिए। तो अभी हम लोग गुरहनवा चौक पे और यहाँ से हम लोग चलेंगे गुआबारी बलुआ की तरफ। तो ये देख सकते हैं कुछ यहाँ से जाती है गुरहनवा स्टेशन और यहाँ से हम लोग सीधे चलेंगे गुआबारी बलुआ की तरफ। तो चलते आगे, यहाँ पे फाटक पार करते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग फाटक पार करके और चलेंगे गुआबारी, फिर बलुआ होते हुए बंजारा और बलुआ से ही कट जाएंगे हम लोग नदी से और चलेंगे आगे चुरनिया पुल की तरफ। तो चलते हैं आगे और वीडियो पर आप लोग बने रहे, काफ़ी मज़ा आने वाली है आज के वीडियो में। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर ये रास्ता तो काफ़ी अच्छा है, अभी तो बरसात हो नहीं रहा है, अभी थोड़ा बहुत हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है, और ज़्यादा बरसात होने पे ज़्यादा ही ज़्यादा कीचड़ वीचड़ हो जाएगी। तो चलते आगे और दिखाते हैं आप लोग को। तो ये देख सकते हैं पूरा खेत तो अभी खाली पड़ा हुआ है, अभी धान इसमें रोपनी होगी बस कुछ ही दिन में जैसे बारिश स्टार्ट हो जाएगी। अभी देख सकते कुछ तो जुता उता गया है खेत वगैरह। तो चलते हम लोग यहाँ से फास्ट फास्ट आगे। फाइनली दोस्तों अभी ना हम लोग पाँच दिन देख सकते हैं, तो भाई पानी में रेस में गाड़ी चल रही है हमारी और अभी हम लोग चल रहे हैं चुरनिया पुल के पास। तो यहाँ पे हमारे साजिद जी और हम लोग बांध पे है, काफ़ी अच्छा बांध है, यहाँ पर लोकेशन दिखाई दे रहा है घूमने वाले। तो चलते हैं फर्स्ट बार दुआ बड़ी बलुआ और चुरनिया पुल है, देखते हैं क्या है कैसे है। तो अभी तो हमारा ये गाड़ी चल रही है यहाँ भी, तो दोस्तों अभी हम लोग बांध से नीचे टपते हैं नदी में, गाड़ी को अंदर एंटर करते हैं और नदी नदी से ही चलेंगे क्योंकि अभी तो बारिश है नहीं, तो हुआ नहीं तो अभी कीचड़ उचड़ उतना नहीं है। तो ये देख सकते हैं भाई लोग घास उस कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ लेडीज लोग और बकरियाँ चल रही है। तो हम लोग यहाँ से चलते हैं फास्ट फास्ट आगे। फाइनली हम लोग आगे हुए हैं पुल के नीचे से, ये रास्ता है, वो भाई नदी में टपा रहा है गाड़ी को, काफ़ी हार्ड है। तो देखते हैं हम लोग कहाँ से चलते हैं। ये हो गई ब्रिज क्रॉस करने के लिए, दुआ बारी बलुआ बोलते हैं शायद इसको, और काफ़ी पब्लिक लोग भी वहाँ दिखाई दे रहे हैं और हमारे गाड़ी ज़्यादा हिल डुल हो रहे हैं इसकी वजह से फ़ोन भी हिलेंगे। तो देखते हैं पास में जाके, काफ़ी लंबा ब्रिज दिखाई दे रहा है यहाँ से लेके पूरा यहाँ पर। तो मिला जुला के तो ठीक है भाई, 200 किलोमीटर के अंदर में ये ब्रिज है, तो काफ़ी टूरिस्ट पहले से दिखाई दे रहा है, लगभग लगभग काफ़ी पब्लिक है ऊपर में। हालत है हमारे इस तरह, वाह शायद जब चले तो ग्राह के गाड़ी के लेके जा रहे हैं भाई नदी में, ठीक है बाबू के लिए गाड़ी ले गई है और पीछे से अपनी गाड़ी फंसे हुए हैं और भी भाई लोग बहुत आ रहे हैं घूमने के लिए, देखते हैं आगे। ये है पूल और भाई को एक्सेप्ट लेके आ गए, ओ भाई अच्छा जाए जा, वाह वाह यहाँ पे तो कुछ वगैरह वगैरह बिक भी रहे। Yok.
चल एकरा ले पार से ऊपर। हां वही पार से पार आवा खाली अब। तो फाइनली यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, क्या बोलते हैं, झुलनिया पुल पे। और यहाँ पे नाम तो कुछ अलग ही है, बट यहाँ पे पब्लिक काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा क्राउड है। और आज है फ्राइडे, तो चलो देखते हैं। तो जंपिंग कर रहा है ये पुल। ओ भाई गजब, क्या बात है भाई, बहुत हार्ड बहुत रात। ये बच्चे को देख सकते हैं। तो भाई इसमें गाड़ी भी लेके आ गया भाई, क्या बात है। तो भाई गाड़ी वाड़ी भी लेके आ जा रहे हैं पिक्चर वगैरह लेने के लिए। साजिद क्या हुआ, अच्छा है यार लोकेशन। हाँ कैमरा लेके आज भी अभी आने आ जाओ सुबह में, मॉर्निंग में, मॉर्निंग का अच्छा व्यू है। तो अच्छा पानी रहेगा तो और गजब आएगा यार। ये हमारे साजिद जो है देख सकते हैं, जुम्मा पर के बेचैन थे यार पूल देखने के लिए, बट हम लोग आ चुके हैं ये ब्रिज पे। तो काफ़ी शानदार ब्रिज है भाई, जंपिंग पे जाएगा भाई, सही है। ये प्रोटेक्ट के लिए साइड साइड में ये देख सकते हैं, दोनों साइड में इधर नेपाल वगैरह हो गई, और ये नदी को क्रॉस करने के लिए है। चलो अब हम लोग चलते हैं फ़ोटो शूट करने, फिर वीडियो वगैरह बनाते हैं। काफ़ी अंदर भीड़ है, क्या हो रहा है पता नहीं अंदर में। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग आ गए हैं लोकेशन पे मेन, और ये हो गया पूल नदी। अच्छा लोकेशन है, वीडियो बनाइए। भाई गजब का सीन है भाई गजब। ये लोहा है एंगल लगा हुआ है, इस पे टिकी हुई है देख सकते हैं। जो भी टिका है इस पे टिका है, और ये चढ़ गया ऊपर देख सकते हैं कुछ इस तरह। और ये भी प्रोटेक्ट के लिए काफ़ी डेंजर है देख सकते हैं, मतलब सही है, मतलब ओवरऑल जो भी है। पुल तो पूरा स्टेडी बना हुआ है, सही है, फिर भी थोड़ा सा दीजिएगा भैया। ये तो काफी मोटा है, कितनी बड़ा ब्रिज है भाई देख सकते हैं, कितनी पब्लिक है, मतलब कि ये पूरा ब्रिज ही फुल है, ओपन पूरा फुल ही है, थोड़ा भी खुला जगह नहीं देख सकते हैं। चारों तरफ से बहुत सारी पब्लिक से अपडाउन कर रहे हैं। और ये तार देख रहे हैं भाई, भाई कौन सी तार से बने हुआ है भाई, ये अपना जो बनता है ना मड़ई उड़ई क्या बोलते हैं छोटा मोटा, वो तार से बना हुआ है देख सकते हैं भाई। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, एक तो ऐसे ही बिहार में बहुत ज़्यादा गिरते हैं पुल वगैरह, बट ये तो नेपाल में है, बट बिहार के बगल में, बिहार में समझो बॉर्डर देख सकते हैं इधर से। ओ भाई जबरदस्ती का सर होगा लानसाद, सब नीचे है ये भाई ऊपर में, इसलिए ना गिरेंगे तो बोलेंगे पुल है।
जिस हिसाब से पब्लिक के जा रहा है ना, पब्लिक के हिसाब से इससे भी लिमिट होता है। ठीक है, तो अभी तो हम लोग अच्छे से घूम ले। यहाँ पे झिलनिया पुल बोलते हैं इसे, जो कि बिहार के साइड में है और ये नेपाल में पड़ता है, गुआ बरी बलुआ के पास, और ये नदी के एक दूसरे से गाँव को जुड़ने के लिए बना हुआ है। और यहाँ पे पब्लिक तो भाई बेशुमार है भाई, पूरी फूल, पूरा पुल ही फूल है, वो पूरा पब्लिक देख सकते हैं पीछे में, और चारों तरफ पब्लिक ही है, मतलब पूरा फूल है। इस पर बाइक भी आप रन कर सकते हैं, लेके DSLR भी लेके आए हैं भाई। क्या कर भैया, ओ भाई पूरा पुल ही गिर, जोर से थे। इस तरह टिकटॉकर वायरस सब अलग कल नाच रहे पहले आओ जरा इंस्टा रील वाली से। अब खाली हो गया पुल, मस्त लग रहा है भाई। ना ना एक नंबर लग रहा है भाई, अच्छा दिख रहा है, मुरेठा एकदम जबरदस्त। साजिद कहाँ जा रहे हो, रुको ना नीचे चले। तो अच्छे से झुलनिया पुल पे आ गए, जो कि गुआ बरी बलुआ बोलते हैं नेपाल में, बिहार के साइड में, जो कि गुआ बरी बलुआ बोलते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है ब्रिज, जो कि झुलनिया ब्रिज। तो बहुत दिन से हम लोग सोच रहे थे आने के लिए, बट आज आ गए। ये देख सकते हैं पब्लिक लोग तो भाई पूरी फूल है, इतना फूल है पूछो ही मत, देख सकते हैं चारों तरफ। और काफ़ी लंबा भी है ये नदी को जो है ना, ये नदी फाइनली ये नदी को क्रॉस करने के लिए, जब पानी आएंगे तो देख सकते हैं कुछ इस तरह, दोनों तरफ नदी है। और काफ़ी यहाँ पे पब्लिक सब आए फ़ोटो वगैरह, DSLR सब लेके फ़ोटो वोटो ले रहा है, पैसे पे भी। और आप लोग को पैसे नहीं है तो 10 रुपये लेते हैं एक फ़ोटो को। और यहाँ पे ये यहाँ पे एंट्री फ्री है, तो ये एक दूसरे गांव को जुड़ने के लिए है, तो अच्छा ही है ओवरऑल। तो हम लोग चलते हैं अब अपने गाड़ी के पास, और फिर देखते हैं थोड़ा नीचे से भी वीडियो वीडियो बनाते हैं। तो क्या यहाँ पे गाड़ी लगाया है, देखते हैं है या कोई ले गए, बट यहाँ से तो बहुत सारे पब्लिक लगाए हैं और कोई दिक्कत नहीं है, इस पर भी लेके आ सकते हैं। क्या भाई क्या चश्मा लगा लगा के फ़ोटो ले शूट कर रहे हैं भाई लोग, गजब का बैठा। तो नेक्स्ट टाइम आते हैं थोड़ा तैयार के साथ, रेडी होकर थोड़ा भी चश्मा वश्मा ले कर फ़ोटो वोटो ले लेंगे DSLR वगैरह, क्योंकि अभी तो आए थे घूमने ऐसे ही। अच्छा गाड़ी वहाँ पे लगी है, और ये हो गई नाम बानेश्वर नाथ मंदिर झूलेडेक पुल गौर नगर पालिका हरमन गुण एक क्या है भाई कोमा, धन्यवाद छः भाई, धन्यवाद दे रहे, शुक्रिया कर रहे हैं, जो कि नेपाली में। चलो ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ खाने पीने वाला सामान, आइसक्रीम वगैरह सब है, छोटा मोटा झाल मुड़ी वगैरह वगैरह। सिमोर से भाई दुकान में तो भाई बहुत घट दिए भाई, अच्छा बिजनेस चलेगा यहाँ पे काफ़ी शानदार। और हमारे साजिद जी नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ है ये अपना गाड़ी है उधर, ठंडा पानी। तो चलते हैं अब हम लोग थोड़ा भूजा उजा लेते हैं, यहाँ पे बन रहा है भूजा, देख सकते हैं भेलपूरी जो बोलते हैं भेल वगैरह, बहुत ही खतरनाक टेस्टी भाई बना रहे हैं, जो कि आपको 10 रुपये के मिल जाएंगे। अच्छा चलो ठीक है भाई, ये झुलनिया पुल के पास है, तो भाई यहाँ पे रेडी कर दिए भाई, दो जगह रेडी हो गया, हो गया दो दस 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 का दो जगह कर दो, 20 रुपये। ये देखो भाई 10 के कितना दे रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे चलिए एक जगह रख दीजिए 10 का, एक जगह 10 का, एक और एक जगह और। तो ये देख सकते हैं भाई काफ़ी अच्छा खासा दे रहे हैं 10 रुपये के, आराम से आप खा के पेट भर सकते हैं, पेट तो नहीं बट जो भी हो नाश्ता वगैरह कर सकते हैं, ओवरऑल सही है।
तो अब हम लोग यहाँ से ऊपर से अचार रखवाएंगे फिर चलेंगे। अच्छा दिया भेल और दो जगह ले लिए है इसलिए कि थोड़ा ज़्यादा दे इसलिए। और ये पानी हो गया ठंडा, तो यहाँ पे सब कुछ का सुविधा है थोड़ा बहुत, जो कि घूमने टाइम में, इवनिंग टाइम में या मॉर्निंग टाइम में खाने के लिए, नहीं मॉर्निंग में तो नहीं इवनिंग टाइम में। और काफ़ी पब्लिक है भाई, बहुत ही। ये इसका 6 महीना हुआ है स्टार्टिंग, 6 महीने से चल रहा है, काफ़ी अच्छा। और काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए, और पब्लिक तो भाई भीड़ उसी टाइम से पड़ा हुआ है जिस टाइम से मैं आया, 4 बजे यहाँ पे आया हूँ, और गाड़ी पूरी लाइन लगे हुए थे पूरे साइड से। और ये भी अच्छी बात है कि यहाँ पे गाड़ी कोई इधर उधर नहीं कर रहे हैं। और आप लोग बहुत सारे टेम्पू जैसे भी आए हुए हैं, और बहुत फैमिली वाले, कपल्स वाले, ऐसे दोस्त हैं बहुत ज़्यादा। तो ओवरऑल अच्छा पुल है, आप लोग घूम सकते हैं। ये टिकुलिया गांव हुए शायद, जो कि नेपाल में, और इधर से हो गया इस साइड में, पश्चिम साइड में बुआबारी बलुआ और बंजारा, यही सब गाँव हुए। तो ये नदी के जुड़ने के लिए है। तो चलो अब हम लोग चलते हैं खाने, और खा के उसके बाद देखते हैं थोड़ा घूमते घूमते निकल लेंगे। ये हमारे बाइक हुए, और ये हमारे साजिद चांद बैठे हुए हैं नीचे ग्रास पे, और भूजा रखा हुआ है। तो चलते हम लोग खाते हैं, और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत वीडियो बनाएंगे, फिर निकलेंगे। तो चलो फिर, ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद। तो फाइनली यहाँ से चलते हैं हम लोग अब अपने रूम पे, और यहाँ पे देख सकते हैं काफी पब्लिक। नीचे और देखिए यहाँ पे काफ़ी पब्लिक है अभी भी, तो देखते हैं काफ़ी अच्छा है यहाँ पे घूम के। ये हुआ ब्रिज कुछ इस तरह, यहाँ पे एक पे एक नमूना लोग आ रहे हैं भाई रील बनाने के लिए। ये देखिए भाई को, ये देखो एक पे एक नमूना सब है भाई यहाँ पे, मेरा ऊपर भी लटक जा रहा है सब। ये पूरे बिहार के ही सब है, बट ये नेपाल में पुल बनी है। तो जो भी आई थिंक अच्छा लगा देख के। और यहाँ पे नौटंकी बाज भी होता है, बहुत सारे के ड्रामा वगैरह, तो आप लोग आके फुल इंजॉय कर सकते हैं, मतलब कि कपल साथ है, फैमिली साथ है, अकेले है, दोस्त यार के साथ है, फुल इंजॉय ले सकते हैं भाई। ये पूरे फुल ही रह रहा है भाई, पीछे देखा जाए तो ये भाई इससे भी हार्ड करके मैं दिखा दूंगा, अभी लेके आया नहीं हूँ गाड़ी में। तो छोड़ो भाई, क्या ही बोलूँ अब आप लोग। तो ये हो गया पुल, जो कि झुलनिया पुल बोलते हैं। इधर हो गया ईस्ट साइड में गुआबारी बलुआ और बहुत सारे हैं कौन दो गाँव। और इधर हो गया इस साइड में, ईस्ट में, पूरब में टिकुलिया है, और यह है नेपाल में पड़ती है, जो कि गुआबारी पुल बोलते हैं, ज़्यादातर फेमस है गुआबारी बलुआ पुल, झुलनिया पुल। तो ये यहाँ पे देख सकते काफ़ी पब्लिक है, और ये बहुत ही शानदार है भाई, क्या बोलते हैं पब्लिक, अच्छा लगा यहाँ आके। और काफ़ी यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस की तरह हो गया, बहुत ही पब्लिक रह रहा है। अभी 4 बजे आए, अभी 6 बज गया, अभी भी बहुत पब्लिक आ रहे जा रहे हैं। तो फैमिली के साथ, कपल सारे और दोस्त लोग के साथ इंजॉय फुल कर सकते हैं। बिहार से हम लोग ढाका से बढ़ रहा फतेह मोहम्मद, तो हम लोग गुआबारी नेपाल में। तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके घूम के, क्योंकि पहली बार ये झुलनिया पुल पे हम लोग आए हैं, पीछे मुझे देख रहे हैं, तो अच्छा लगा घूम के। और थैंक यू ये बनाने वाले सरकार को, ये नेपाल में पड़ती है। तो चलो ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट, ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।